बीजेपी के दिग्गज नेता ने किया वसुंधरा राजे को अपमानित, कह दी बड़ी बात, मचा हड़कंप। बता दें राजस्थान कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को पर्ची सरकार नाम दिया है। सबसे पहले इसे पर्ची सरकार कहने के पीछे की वजह को जान ले। 12 दिसंबर को जब भाजपा मुख्यालय में विधायक दल की बैठक हुई थी, तब मुख्य ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को एक पर्ची दी थी। इस पर्ची पर भावी मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ था। मंच पर बैठी वसुंधरा राजे ने धीरे से पर्ची खोलकर देखी तो हैरान रह गई। पर्ची पर पहली बार विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा का नाम लिखा था। राजे ने पर्ची पढ़ी तो बीजेपी मुख्यालय में सन्नाटा सा पसर गया। इस पर राजनाथ सिंह ने पूछा कि अगर किसी को कोई नाम सुझाना हो तो बता सकते हैं। तब एक भी विधायक ने कोई नाम नहीं सुझाया और पर्ची में लिखा गया नाम सर्वसम्मत से मुख्यमंत्री बन गया। अब राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने भी पर्ची का जिक्र किया है। दरअसल 16 जनवरी को राजस्थान विधानसभा में विधायकों के लिए एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी द्वारा इस कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान एक विधायक ने पर्ची का जिक्र छेड़ दिया। इस दौरान घनश्याम तिवारी ने पर्ची पर बोलना शुरू कर दिया। तिवारी ने कहा कि यह पर्ची बड़ी खतरनाक है, जब निकलती है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद तिवारी को एक पर्ची मिल गई जिसमें लिखा था, समय कम है, संबोधन को समाप्त करें। नई सरकार के गठन के बाद जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कांग्रेसी नेता भजनलाल सरकार को पर्ची की सरकार कहकर संबोधित करते हैं। 12 जनवरी को सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पर्ची सरकार का नाम दिया। इसके बाद कांग्रेसी नेताओं के बयान में पर्ची सरकार ही मुंह से निकलता रहा। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के सीएम अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जिस तरह से सीएम का चयन पर्ची से हुआ, उसी तरह मंत्रिमंडल का गठन भी पर्ची के जरिए हुआ। बाद में विभागों का बंटवारा भी पर्ची के जरिए किए जाने के बयान दिए जाते रहे हैं।